हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आइए आज पढ़ाई के साथ साथ कुछ सच्चाइयां भी, यानी स्टडी के साथ साथ। और हाँ, रहा बात मुझे धमकियाने की या फिर मुझे कुछ बोलने की, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं उन डरपोक और उन कायरों में से नहीं हूँ जो आपके गर्मी से और आपके धमकी से डर जाएगा। क्यों नहीं डरूंगा ये भी बता दूं कि मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनसे आप डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा या 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी हमसे जुड़ेंगे और मेरे बातों को सुनेंगे और ये सत्य है या असत्य है इस पे वो फैसला लेंगे। और भीख एक टीचर मांगेगा, आकि एक मैनेजमेंट मांगेगा जो टीचर के साथ गलत व्यवहार करता है, इसकी सच्चाई। और ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और रहा बात फ्री में पढ़ाने का मैम, तो मैं ये यूट्यूब पे जो पढ़ाऊंगा ना, अपना पैसा लगाकर, अभी एक मध्यम वर्ग से गरीब परिवार से हूँ जिसका इनकम ऑफ सोर्स आउट से कोई नहीं है, पापा भी हैं तो घर पे हैं, लेकिन फिर भी वादा कर रहा हूँ कि उन गरीबों का मदद करूंगा जो गरीब के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैं जितना जानता हूँ उतना उनको जरूर पढ़ाऊंगा, एक मिनिमम फी ले करके, ताकि उसमें उनका भी घर का खर्च चल सके और मेरा भी। आइए देखा जाए। सबसे पहले टर्म के साथ साथ ही सच्चाई, एक टर्म है क्लास 10th का। मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ ये वीडियो देखिए। आपके घर में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, आपके घर में स्मार्टफोन है, आप 400-500 का महीना रिचार्ज करते हैं, उसका सही से अगर आप प्रयोग करेंगे ना, तो डिजिटल जमाना है। आपको ये आरओ के पानी का पैसा और गाड़ी में आने जाने का पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो सेव होगा आपका, और आप खुद अपने बच्चे का एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, ये भी वादा है। देखिए पहला क्या है, क्या है एपी? एक क्लास 10th में पढ़ना है हम लोगों को एपी, जिसे बोलते हैं समान अंतर श्रेणी। यानी मैं समान अंतर का है बोला, समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे अंग्रेज लोग, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे चट्टा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी देहात का बच्चा समझेगा, एरिथमेटिक में उसने कुछ नहीं समझा, लेकिन समान अंतर देखिए 3, 6, 9, 12 इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का 3 का 3 का। समान अंतर में जो श्रेणी रहेगा, जो दो पदों के किसी कंसेक्यूटिव दो पद को आप जब लीजिएगा तो उसके बीच में अंतर जब समान दिखे, डिफरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यू कॉल डिफरेंस इन इंग्लिश, वो एपी कहलाएगा, यानी वो समान श्रेणी में होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये मैंने 3 कबूतर 3 वैसे टीचर को बनाया जो बच्चों को फोड़ के लाते हैं, और ये मान लीजिए 4 वैसे टीचर हो गए, और ये 5 वैसे, नाम नहीं रखूंगा ना ताकि आप कोई कंप्लेन कीजिएगा, ये 5 टीचर हो गए, 5 फोड़ने वाले, वो बुढ़े और बुढ़े मतलब मेरा कहने का उद्देश्य है वो चमचा जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे देखो बाबू ये 4 चमचे हैं, ये 3 चमचे हैं, 4 चमचे में से 3 चमचे निकलेंगे तो 1 बचेंगे, 5 में से 4 निकलेंगे तो 1 बचेंगे, तो ये समान श्रेणी में बैठा है सब। तो जी सर, तो यो एपीए में बैठा है सब। ओके, एपी का मतलब यही हुआ। अब आइए क्या होता है एक टीचर का इंसल्ट का मतलब, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, और रहा बात धमकी, तो धमकी कैसे दिया जाता है मैं सिखाऊंगा आपको। एपी क्या है आप जान गए कि जब दो पदों किसी भी श्रेणी में संख्या दिया हो या चर राशि दिया हो और उनके बीच में माने उनके पदों में समान अंतर हो, एपी कहलाएगा। अब मैं बच्चों को दूंगा, 1 का भी बच्चा अगर जो बोलता है जिसके पास दिमाग है या पेरेंट्स है बता दीजिएगा तो समझ जाएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। देखिए इससे कितना ज्यादा है 10, इससे ये कितना ज्यादा है 10, इससे ये कितना ज्यादा है 10 10 10 10। ये 10th का है, 2 का बच्चा बनाएगा पढ़ने के बाद, और ये किताबों में ये बातें जो आप प्रकाशन प्राइवेट लेते हैं ना,
ठगेदारी। देख प्राइवेट प्रकाशन वाले गलत नहीं है, प्रकाशन सभी प्राइवेट बुक 50% डिस्काउंट देता है, आपको नहीं मिलता है, आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां लूटना है ना आपसे। पता कीजिएगा जो प्रकाशन वाले हैं इस बुक वाले, मैं एक ऐसे प्रकाशन के बुक से पढ़ता हूं जिसमें बुक पे मुझे 50% डिस्काउंट मिलता है, और मैं आपके बच्चों को उसी कंटेंट को पढ़ के अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, और देखिएगा कि क्या अंतर है वो जो न्यू बुक आपको एक भी डिस्काउंट, हाँ वो लीजिए आप बुक, लेकिन उनसे 40% डिस्काउंट लीजिए, सब खरीदिए, ठीक है। अब आपको सोचना है पेरेंट्स लोगों को, और रहा बात कि गाड़ी से आप जो बच्चे को भेजते हैं ठूस ठूस कर, वैसे तो मोटरी में गेहूं और चावल भी नहीं ठूसा जाता है, और उसका आप 800 से 500 फी देते हैं ठूसने के लिए, जहां पे ठूसा जाता है मैं वहां की बात कर रहा हूँ, जहां पे पार्टिकुलर सीट दे के ले जाया जाता है वहां पे ट्रेवलिंग चार्ज आपको देना है और लगता भी है, क्योंकि कोई भी संस्था वाले तेल जला करके अपना घर बेच करके आपके बच्चों को तो पढ़ाएंगे नहीं। तो जहां पे आपको पार्टिकुलर सीट मिल रहा है वहां दीजिए पैसा, जहां पे आपके बच्चों को आरओ का पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छे टीचर मिल रहे हैं, तो वहां आप अपने बच्चों को भेजिए। मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, ना ही मेरा उद्देश्य है प्राइवेट स्कूल चलाने का, लेकिन अगर कोई प्राइवेट स्कूल बच्चों को कहता है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहला टीचर रहूंगा जो जितना सब्जेक्ट जानता हूं उसके घर या वो जहां बोलेगा मैं अपना 2 से 3 घंटा टाइम दूंगा, क्योंकि बाबू वो तो फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, खेती करके मैं अपना गुजर बसर करूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा फ्री में जब वो डायरेक्टर साहब बच्चों से लूटेंगे नहीं। अब ये देखिए आप समझ गए कि ये एपी क्या है, समान अंतर होना चाहिए। देखिए इसका पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो सेम अंतर होता है, मान लीजिए देखो ये A1 है, ये A2 मान लिया, एक चर राशि मान लिया मैंने A3 A4, किसी भी पद से किसी प्रीवियस पद को, पहले पद को आप घटाओगे ना तो आपको सर्व अंतर मिलेगा, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं सर्व अंतर, इसका एक और नाम है पदांतर, पदांतर, ठीक है। ये आप पहला पद ए से डिनोट किए, सार्व अंतर को डी से डिनोट कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए यहाँ पे आप पेरेंट्स लोग देखिए, बच्चे को तो छोड़िए, 1-2 के बच्चों को आप ऐसे समझाइएगा ना तो वो समझ जाएगा, और ये बुक आप जो ले रहे हो 25 समय वो नहीं समझाएगा। A2 में से अगर देखिए किसी भी बाद वाले पद से उसके ठीक जस्ट पहले वाले पद को घटाइएगा तो सार्व अंतर मिल जाएगा आपको। तो देखिए A2 में से आपने A1 को घटाया, तो A2 का मान क्या है 20 और A1 का मान क्या है 10, तो 10 या 20, A2 20 है, 20 में से जब आप 10 घटाओगे तो 10 आया, तो आप कह सकते हैं कि इस AP का सार्व अंतर 10 है और इस AP का प्रथम पद A है। समझ में आया आपको? अदित कुमार क्लास 6, सोनू जो एक नया लड़का है, मैं अब कौन सोनू नहीं पता है कहाँ का, आप सभी बच्चे अगर मुझसे जुड़ रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो और कोई संस्था आप पे प्रेशर बनाता है कि क्यों उनसे पढ़ रहे हो, और तो समझ में आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, संस्था अगर बोलता है कोई भी संस्था कि आप वहां पढ़ना है तो मेरे स्कूल में नहीं आओ, तो आप सच्चाई अपने पेरेंट्स से बताओ कि आपके साथ क्या होता है। मेरा सपोर्टर आप लोग हो और मैं आप लोगों के लिए ही लड़ रहा हूं, तो ये आप करोगे। और भी बच्चे जैसे अनमोल हो गया, ये सब बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मतलब साथ कमेंट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और जैसे अनमोल की बहन है प्रगति हो गई, और सबसे ज्यादा मुझे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बच्चे सपोर्ट, पटना से भी बच्चे सपोर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि शुरू में पढ़े हैं, मैं जितना जानता हूं, ठीक है AP में पढ़ा रहा हूं, AP के बारे में मैं 100% नहीं जानता हूं सर, आप लोगों से भी बोल देता हूं, हो सके कि 50% भी नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं आपके बच्चों को उतना जरूर बताऊंगा, ताकि वो खुद से बिना किसी किताब के अपने एनवायरमेंट से सोच करके मैथ साइंस को सीख जाए। रहा बात कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है,
और डेवलपमेंट के नाम पे लूटा जा रहा है इधर देहात में, वो आप मत दीजिए, खुल के विरोध करता हूं मैं। अब ये आ गया तो आप समझ गए ये एपी है, क्लास टेंथ का ये टॉपिक है, बुक पलट के देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। एपी के सवालों को बनाया कैसे जाता है मैं बता रहा हूं। सपोज कीजिए प्रथम पद मैंने बताया, प्रथम फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को आप ए से लिखते हो, सार्व अंतर को आप डी से लिखते हो, जो अभी बताया मैंने, कुल पद को, कुल जितने पद होंगे उसमें कुल पद टोटल टर्म, मान लीजिए यहाँ दो है, चार है, छ है, एक दो तीन पद है, तो कुल पद को हम लोग टीएन से या एएन से दिखाते हैं। ठीक है, आप समझ गए, आप भी समझ गए। अब मान लीजिए इसमें मुझे पद निकालना है, कोई एपी दिया जाएगा, जैसे हाँ अगर मैं कहूं 3, 5, 9, 15 ये एपी में है कि नहीं, तो आप यहां 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आया, 9 में से 5 घटाइएगा 4 आया, यहीं पे पता चल गया कि अंतर समान नहीं है, तो समांतर श्रेणी जो ढेरी बार उस समान अंतर में नहीं खे तो एपी ना हो सकेला, एक बच्चा भी बोल सकेला। तो 15 में से 9 घटी तो 6 आई, अलग अलग मान है तो एपी सर नहीं खे, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, इट इज अ सीरीज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। ओके, अब देखिए ये आप समझ गए कि कौन एपी में, मान लीजिए यहां पे दिए 12, 10, 12, 10, 8, 6, ये क्या हो रहा है, दो दो से घट रहा है, दो दो से, इसमें से माइनस हुआ 2, इसमें से माइनस हुआ 2, इसमें से माइनस हुआ 2, ये भी अंतर समान है तो ये भी समांतर श्रेणी है। आप अपने बच्चों को दिखाइएगा ना, पूछिएगा कैसे पढ़ाते हैं सर, या कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्था बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग, और कोई भी टीचर हो, और ऐसे भी बच्चे होते हैं उनके पास जिनसे अगर जो तेज होते हैं, मतलब तेज क्या, सभी बच्चे तेज होते हैं, कि वो बच्चों से फी के लिए प्रेशर नहीं डालते हैं, हाँ एक जितना मिनिमाइज फी है वो लेते हैं, क्योंकि उनका भी तो बाल बच्चा है, उनकी भी तो रोजी रोटी है। तो आप सोचिए कि आप शिक्षक के साथ हो, या आरओ पानी या गाड़ी में बच्चों को भेज रहे हो उसके साथ हो, या जो आपको लूट रहा है उसके साथ हो, ये आपको सपोर्ट करना है। ये हो गया नेक्स्ट। अब तो आप समझ गए होंगे कि एपी किसे कहेंगे, जब चर राशियों, समान चर राशियों का समूह समान अंतर में सजा हुआ दिखे उसे एपी कहोगे आप, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे। आपका बच्चा हिंदी में सोचता है तो हिंदी में, इंग्लिश में भी मैं पढ़ाता हूं। यहां पे अब रहा बात कि मान लीजिए ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, डॉट 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 ऐसे। देखिए एपी दो प्रकार का होगा, एक फाइनाइट एपी होगा और एक इनफाइनाइट एपी होगा। देखिए इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा हिंदी अपना भूल गया था, और मैं संस्था के लिए काम नहीं कर रहा था। अब बच्चा सब बोला कि सर आप छोड़ दीजिएगा तो हम लोगों का क्या होगा। अरे मुझसे बेस्ट टीचर आपके स्कूल में आएंगे 8 से 5 हजार पे, जब उनका खर्चा उतना से चल जाता होगा तो जरूर आएंगे, मुझसे भी बेस्ट टीचर और है भी इस दुनिया में, और फ्री में भी आपको पढ़ाएंगे आएंगे, लेकिन आपसे वो संस्था लूटेगा और आपको चूसेगा। ठीक है, और बच्चे बोलते थे तो मैं बच्चों के लिए रुक जाता था, क्या मुझे क्या पता था कि मैं अपना 8 साल गंवा दूंगा बच्चों के लिए, और लास्ट में मुझे ये बोला जाएगा कि आप दरोगा का तैयारी करते करते सीटेट पे आ गए, आप भीख मांगिएगा आने वाले टाइम में, तो मैं एक्सेप्ट किया हूं इस चैलेंज को और मैं भीख मांग के भी दिखाऊंगा। देखिए ये है, तो मान लीजिए ए फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है कि जिसमें पद सीमित रहेगा वो फाइनाइट होगा, परिमित एपी, परिमित, और जिसमें अनंत तक जाएगा वो इनफाइनाइट, अपरिमित, अनंत। अब देखिए ये डॉट डॉट लगा है, अनंत तक जा रहा है, और ये मिटा देता मैं तो तीनों को पद है तो ये फाइनाइट एपी है। ओके, अब डॉट डॉट लगाया मैंने, और मैंने कहा बाबू ये जो नंबर सीरीज में चल रहा है 4 से 8, हो सके मुझसे भी मिस्टेक होता है पढ़ाने में, गलतियां हर किसी से होता है,
तो मैं अपने आप को पनिश नहीं करता हूँ। तो फिर बच्चे अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ उनको मार के हाथ लाल करने वाला और मार के पीठ पे दुदरा उखाड़ने वाला, मैं कोई नहीं हूँ। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और क्या है ये मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, आपका अधिकार। ट्रेंड हूं ना, मैंने फोकट का ट्रेनिंग नहीं लिया था NIOS से, पूरे गहन एकदम पढ़ करके रिजल्ट लेता हूं, फेल हो जाऊंगा, पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, नहीं आएगा सवाल, नहीं लिखूंगा, फेल हो जाऊंगा। और फेल होने पर शर्म किस बात की, मैंने बैठ के फेल हुआ। आप घर बैठे घूस दे करके कहीं जॉब तो ले लोगे, लेकिन उस टीचर के साथ मुकाबला करने में आपको सोचना पड़ेगा। गुस्से की बात है ये, छोड़िए बच्चों से गुस्सा, आपसे गुस्सा नहीं है। अब ये ऐसे दिया, कहा कि ये AP में है कि नहीं, तो आपके बच्चे ने देखा कि 4 से 8 4 बढ़ा है, 8 से 12 4 बढ़ा है, यानी ये AP में है। तो AP में है तो बताइए कि इसका जो 20वां पद होगा, 20वें नंबर पे जो पद आएगा वो क्या होगा। तो बच्चा सोच में पड़ गया, जा अभी तो ऐसे करेगा, ऐसे जाएगा 20 तक, नहीं ये किस लिए बताया जा रहा है। 20वां पद जब उसको बताना होगा तो पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं प्रूफ भी करूंगा कि क्यों होता है क्लास में, मतलब बोर्ड पे भी, लेकिन सच्चाई कुछ बता दूं कुछ दिनों में। तो TN या AN ये कुल पद की फॉर्मूला हुआ, A+N-1 × D। देखिए इंग्लिश पढ़ाते पढ़ते अंग्रेज बन गया हूं मैं भी। प्रथम पद, जिस पद को निकालना है उसे लिखेंगे, उसमें से एक कम करेंगे, और जो सार्व अंतर इस पद के बीच में होगा, जो इनके बीच का अंतर होगा, वो लिखेंगे D के रूप में। आपको यहां बता चुका हूं मैं। तो देखिए इसका 20वां पद मुझे बताना था, मान लीजिए TN-वां पद 20वां होगा, तो TN A प्रथम पद क्या है, 4, आपने लिखा 4 प्लस कौन सा पद बताना है, तो 20वां, 20 में से आपका एक जाएगा तो 19। इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे A+19D, क्यों, क्योंकि यहां जो N लिखना है आपको, कौन सा पद पूछा है, 20वां, तो N के जगह 20वां लिखना, 20, तो ब्रैकेट में 20 घटाओ 1 इंटू है, ये ब्रैकेट का मतलब गुना है, D कितना है आपका 4, तो 4 लिख दिया। पहले काम ब्रैकेट के होगा, आप बडमास में पढ़े हो, 4 और 19 में 4 से, देखो 20 में से एक कम होगा 19 होगा, 19 को 4 से, ठीक है, 19 को 4 से गुना करके तब यहां लिखना है, और मैंने मल्टीप्लाई दे दिया जोड़ का चिन्ह। मान लो 19 में 4 से गुना करना है, आपको गुना नहीं आ रहा है, 9 का टेबल तो आता है, 9 का 36 के 6 लिखिए हाथ में, 3 4 एकम 4 और 3 7, क्या आ गया 76, आपका क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और सुनिए अब रहा बात ट्रिक, इसका ट्रिक, कुछ टीचर सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान था, अरे टीचर लोगों के लिए तो सब कुछ आसान है, वो समझ रहे हैं, तो जो बच्चा पढ़ रहा है शुरू शुरू देख रहा है उसके लिए सब कुछ मुश्किल लगता है, और उस बच्चे का डिमोरलाइज जब क्लास में किया जाता है तो बच्चा चाह करके भी अपने कमजोरी से को नहीं पूछ पाता है। आप मत कीजिए लोग डिमोरलाइज किसी बच्चे का। 20वां, आप देखिए 4 के टर्म में 4 का टेबल था, 20वां पद बताना था, इसमें आप गुना कर देते ना 20 का 80 आ जाता आसानी से, लेकिन ये फॉर्मूला मैं इसलिए बताया कि अगर मान लीजिए टेबल के रूप में ना हो सीरीज तब आप क्या कीजिएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ये हो गया 5, ये हो गया 4 बढ़ा देता हूं 9, ये हो गया 4 बढ़ा देता हूं 13 डॉट डॉट का 30वां पद आपको बताना है। ये तो टेबल नहीं है, किसी का पहरा नहीं, आप कैसे, अब इसमें आप गुना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये टेबल किसी अंक का नहीं है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस सेम है। देखिए 9 में से 5 घटा तो 4 आया, 13 में से 9 घटा तो 4 आया, अंतर समान है यानी AP में है, 30वां पद बताना है, प्रथम पद A 5 है, N क्या है 30 है, और पदों के बीच का अंतर कितना है तो 4 है, इस पे आप रखिएगा जोड़िए घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ये है मेरी एबिलिटी, और अब आप तय कीजिए, ये तो अभी डेमो के लिए है, आपके बच्चों को मैं अपने एक रूम में लाइट का व्यवस्था कर रहा हूं और ऑनलाइन फ्री में क्लास दूंगा, आप अधिक से अधिक जुड़िएगा। अगर कोई संस्था आपके बच्चों पे प्रेशर बनाता है
कि उससे नहीं पढ़ना है, तो आप अपने बच्चों से पूछिएगा कि तुम्हें किससे पढ़ना है और तुम्हें क्या करना है या गाड़ी में ठूस के जाना है, आप तय कीजिएगा। और आपको अगर मेरा साथ देना हो और ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप दीजिएगा, मुझे फेमस नहीं होना है, बस ये जो पेट भगवान दिया इसमें भर पेट खा लूंगा, कल का पानी पी लूंगा, आरो का नहीं पीऊंगा। पहले के लोग आरो का पानी नहीं पीते थे, कुआं के पानी पीते थे, 100 साल जीते थे। लेकिन आजकल एनवायरमेंट बदला है, साइंस आगे डेवलप है, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, मार्केट में लॉन्च कर गई हैं, इसलिए आरओ का पानी पीना चाहिए। और आप स्कूल वाले को, माने नहीं नीच ये देहात के स्कूल वाले को आरओ का पानी का 500 रुपया महीना मत दीजिए। आप 2 लीटर अपने घर से 500 का महीना दे रहे हैं, सपोज कीजिए 4-500 का महीना दे रहे हैं। नहीं छोड़िए, इसका कोई कॉल कर दिया छोड़।